हे गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूँ ललित। तो गाइस मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ललित कुमार ब्लॉग्स। सो गाइस आज आए हैं फिर से हम पहले की तरह यमुना। और यमुना देखो गाइस, बस मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक ही भी प्यारा लगता है, उसके बाद तो भाई देखो क्या हाल है। वहाँ तक ही हाल अच्छा है। और पीछे गाइस सलमान है, सलमान हम वीडियो बनाने आए थे और अभी हम जा रहे हैं घर पे। गाइस अब मैं सोच रहा हूँ रेगुलर ब्लॉग डालेंगे। अब गाइस रेगुलर गाइस अब चेकआउट जरूर करो। ओके सब ने यहाँ पे वीडियो शूट कर लिए, अब हम चलते हैं डायरेक्ट घर पे। और हम सोच रहे थे पहले यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, यहाँ बैठ के भी क्या करें, मज़ा भी नहीं आता यहाँ पर। अब सब चलते हैं हम। ये वीडियो एडिट कर रहा है और ये देखिए कचरा देखो कितना फैला रखा है। और इसी कचरे में इसी देखो गाइस, देखो ये कौन से पौधे उगे हुए हैं यहाँ पे। और ये मूलिया किसी ने फेंक रखी है यहाँ पर, ये देख गए पानियों में, वो उधर भी उगे हैं, उस साइड भी उगे, आगे भी उगे हैं। और वहाँ पे लोग अपनी भैंसे घुमा रहे हैं। तो गाइस ये जो अंकल दिख रहे हैं ना, ये गाइस फिशिंग कर रहे हैं। देखो उन्होंने वहाँ पे कांटा डाल दिया है और यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। और ये फिशिंग देखो एक उधर भी कर रहे हैं और यहाँ पे एक बैठ के कर रहे हैं। यहाँ पे फिशिंग चलती रहती है। देखो इस गंदे पानी में लग रहा तो मैं फिलियाँ होगी, मछलियाँ हैं पर इस गंदे पानी में भी। ये दिखा दो साफ पाँच से, दिखा दो कितना गंदा पानी है। देखो इसके अंदर भी मछलियाँ हैं। देखो यहाँ से तो मतलब बड़ी सी नदी है ये, वहाँ से लेकर यहाँ तक पर है इसके अंदर मछलियाँ। तब यहाँ पे पकड़ने आए हैं। देखो मछली पकड़ने के लिए पेशेंस तो चाहिए, पेशेंस के बिना तो कुछ नहीं होगा भाई। जल्दीबाजी करोगे तो मछली तो आएगी नहीं हाथ में। सो अभी हम जाने वाले थे, हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कैसे पकड़ते हैं कैसे नहीं पकड़ते। इनके हाथ में तो कुछ आ नहीं रहा और हम हो रहे भाई परेशान। ओके हम हो रहे परेशान, इनके हाथ में तो कुछ आ भी नहीं रही मछली अच्छी कुछ। ये देखिए तो गाइस अभी अभी बाहर से आया था और आपने देखा होगा अभी हम वीडियो शूट करके आए थे। अभी जस्ट हम गाइस मेरा लंच भी आ चुका है, लंच में दिखाऊं मेरा क्या है। पुलाव और ये दाल है गाइस काली मसूर की और ये रोटी। सो गाइस पहले खाते हैं लंच को, फिर गाइस मिलते हैं आपसे। पहले एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। सो गाइस अभी जस्ट गाइस अभी लंच करा है और देखो जो हमने ऑर्डर करा था ना आरो, और वो फाइनली आ चुका है। और देखो भैया जी निकाल भी रहे हैं, अभी इसे सेट भी करवाना है। सो गाइस पहले ना इसकी सारी प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे कैसे इसके ना सामान होते हैं। वैसे इसके ना ज़्यादा सामान तो होते नहीं है, वो तार वार ही होते हैं पाइप उसे सेट करते हैं गाइस, फिर मिलते हैं हम आपसे। हमारी फर्स्ट प्रोसेस देखो क्या है, भैया जो है ड्रिल से होल कर रहे हैं और बिल्कुल पूरे दीवार में सेंटर में कर रहे हैं बीच में, क्योंकि इसमें दिक्कत ना हो इसलिए पूरे सेंटर में कर रहे हैं। अभी जब तक भैया सेट करते हैं उसे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड प्रोसेस ये है कि पानी को फिल्टर करने वाला लगा दिया अब। और थर्ड प्रोसेस देखो अब लग चुका है और भैया चेक कर रहे हैं सही से लगा ही नहीं लगा, और बिल्कुल फाइनली लग चुका है। और ऊपर का बस वो ढक्कन लगाना है, ढक्कन लगाने के बाद फिर पूरा लुक हो जाएगा। सबसे हार्ड वाला और फोर्थ प्रोसेस देखो हमारा ये है कि जो ऊपर वाला टंकी था ना उसे बंद नहीं कर पाए, इसलिए भैया को ऐसे करना पड़ रहा है। और गीले होते होते भैया लगा रहे हैं उसमें पाइप, और पाइप लगाने के बाद फिर दिखाऊंगा आपको कैसा उसका फाइनल लुक होता है। देखो फाइनली लग चुका है तार और ये देखो पूरा फिट हो चुका है आरो। अभी ये भी लगा दिया कि इसमें गंदगी गंदगी कुछ ना जाए, पानी चेक करके करते हैं। देखो इसको फिल्टर होके पानी है, अभी इसे पी के दिखाते हैं कैसा लग रहा है पानी। बस पानी भी सही है और लग भी चुका है पूरा फाइनली। सो मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर में, गाइस अभी रात भी हो चुकी है। सो मिलेंगे गाइस अभी थोड़ी देर में। ओके बाय। सो गाइस सलमान को मैं खिला रहा छोले भटूरे, ये कह रहा है मुझे भूख लग रही है, चलो मैं खिला देता हूँ। तो खिला रहा है और कौन खिला रहा है, अंकल से बोल रहा है छोले भटूरे बनाने के लिए। और जल्दी यहाँ पे छोले भटूरे खाते हैं, फिर जाना है मैं घर पे भी। और घर पे गाइस मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है, मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं करी अभी तक, वीडियो बनाने के चक्कर में आ गया था मैं और वीडियो अपलोड नहीं हुई। अब बन रहे को रोल।
ब्लॉग में झूठ बोल रहा है। देखा जी ले अपनी जिंदगी। सोया हमने भी ले लिया है, अभी से जल्दी खाते हैं। और रेटिंग में कितना नंबर देगा इसे? 10 में से 5 में, चल 5 में से। किस चीज़ की रेटिंग? मतलब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा देखो? अच्छा तो लग रहा है। कितना नंबर देगा इसे 5 में से? 5 में से 5 दे देंगे। भूख लग रही है अभी तो, अच्छा लगेगा भाई। भूख लग रही है, अच्छा लगेगा इसे। क्राउन प्लाजा के यहाँ पहुँच चुके हैं और ये रहा हॉलीडे और ये रहा हमारा हॉलीडे। गाइस क्राउन प्लाजा व्यू। गाइस अभी हमने नमकीन भी ले ली, हमने मूंग दाल भी ले ली है अभी खाने के लिए नमकीन। और हम यहाँ जा रहे हैं इस वाले जंगल वाले रास्ते से, चलेंगे अब डायरेक्ट घर पे गाइस जंगल वाले रास्ते से। देखो कितना अंधेरा हो रहा है, वैसे रिस्की है ना जाना, पर हम फिर भी जाएंगे। यहाँ से एक रिस्क है जाने का, मतलब क्या यहाँ पर चींटियाँ पैर पे काट लेती है। कितना घना जंगल है और ये बीच में रास्ता। सो गाइस हम फाइनली घर पे तो पहुंच चुके थे, अभी भी आए हैं मोमोज खाने। मैं गाइस मेरे मोमोज सेरे और ये विशाल के मोमोज, हम दोनों गाइस आए थे विशाल में जस्ट अभी मोमोज खाने के लिए। पहले मोमोज खाते फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली आ चुका हूँ घर पर और आज का व्लॉग भी गाइस एंड करते हैं। सो व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक रिक्वेस्ट और करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।